हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्मेशन करेंगे योर ऑडियो वीडियो इज ओके, आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। सो ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म क्विकली। सभी कंफर्म कर देंगे जितने स्टूडेंट क्लास में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे BFM के जो मॉड्यूल ए है उसका चैप्टर 1 फॉरेन करेंसी रेट्स में। इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडीज भी बन के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या है? मोस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डील्स आर डन ऑन स्पॉट बेसिस, दैट इज डिलीवरी ऑफ द फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे फॉलोइंग द डेट ऑफ डील कॉन्टैक्ट एंड ट्रांजैक्शन। नाउ इसको अंडरस्टैंड करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट डेट्स को अंडरस्टैंड करना इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं? एक है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है। सो वन इज डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है मीन्स द डेट ऑन विच द रेट एंड डेट हैज बीन फाइनलाइज्ड। इस रेट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज किया जाएगा, इस डेट को इसे एक्सचेंज किया जाएगा। सो दूसरा इसके अंदर है डेट ऑफ डिलीवरी। सो डेट ऑफ डिलीवरी मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है वो एक्चुअली किस दिन ले होंगी, तो जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट का डेट। और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम डेट ऑफ डील भी कहते हैं, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। यानी ये वो डेट है जिस दिन सौदा हुआ कि फॉरेन करेंसी को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज ईदर विल बी सोल्ड और इट विल बी परचेज्ड। और डेट ऑफ डिलीवरी विच डे द फॉरेन एक्सचेंज एंड इंडियन करेंसी जो एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको एक्चुअली कंप्लीट किया जाएगा बाय वे ऑफ डिलीवरी, उसी को हम कहते हैं सेटलमेंट। तो इन दो डेट्स को हमने अपने माइंड में रखना है बिकॉज इसको हम बार बार रेफर करने वाले हैं। तो अब हम इस को द्वारा से पढ़ेंगे। Most of the foreign exchange deals are done on spot basis. So spot का meaning है delivery taking place on second working day. अब इसमें भी important part क्या है, यहाँ पे हम word use कर रहे हैं working day. So one is calendar day, another is working day. सो फिडाई रूल्स कहते हैं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक वी हैव
working day. So that means Saturday, Sunday, उसको working days में नहीं लेना है. और जब भी हम counting करेंगे तो इन दो डेट्स को हम एक्सक्लूड करके काउंटिंग करेंगे. तो अगर हम कहते हैं सेकंड वर्किंग डे, तो ये सेकंड वर्किंग डे हम अगर बीच में संडे या सैटरडे आता है तो उसको एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट है, लेट अस से 25th जुलाई का, एंड लेट अस से इट इज वेडनेसडे, तो जो सेटलमेंट है स्पॉट बेसिस के ऊपर, ये कौन से डेट को हो जाना चाहिए? सो वेडनेसडे में हमने 2 वर्किंग डेज को ऐड कर देना है. सो दिस मीन दिस सेटलमेंट शुड टेक प्लेस ऑन फ्राइडे, प्रोवाइडेड फ्राइडे इज नॉट हॉलीडे. और अगर कॉन्ट्रैक्ट 26 जुलाई को बना, अनलेट से 26 जुलाई है थर्सडे, तो इस केस में हम 2 वर्किंग डेज को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वर्किंग डे है फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे संडे उसको हमें एक्सक्लूड करना होगा. तो नेक्स्ट वर्किंग डे हमारे लिए बनेगा मंडे. तो इस केस में 26th जुलाई को हमारे पास थर्सडे है, 27th को फ्राइडे है, 28th 29th हॉलीडे हुआ, तो 30th हुआ हमारा सेटलमेंट का डेट. और इस केस में सेटलमेंट का डेट बन जाता है 27th. सो इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से हमने अंडरस्टैंड करना है. अगर आपको इस वीडियो को दोबारा से वॉच करना पड़े तो इसको दोबारा से ज़रूर वॉच करें, लेकिन जब तक ये पार्ट आपके क्लियर ना हो तब तक आगे प्रोसीड मत करें, बिकॉज इन सारी चीज़ों को हम बार बार यूज़ करने वाले हैं. एंड आई होप जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया, सो एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपने इसको नोट भी कर लिया है एंड इट इज़ क्लियर टू यू ऑल्सो. ये सारी एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें कॉपी के अंदर, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ. और अगर ये रह जाए ले नोट करने से, तो आप सब्सिक्वेंटली इस वीडियो को वॉच करके इसको नोट कर सकते हैं. दिस रेट इज नोन एज अ सपोर्ट रेट. तो जब हम सेटलमेंट सेकंड वर्किंग डे को कंप्लीट करते हैं तो इसके लिए हम जो रेट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सपोर्ट रेट. सो जब हम बात करते हैं सपोर्ट बेसिस के ऊपर, एक होता है सपोर्ट बेसिस जिसको हम सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, एक सपोर्ट रेट, तो ये बातें भी दो अलग अलग हैं. तो इनमें भी डिस्टिंक्शन हम ध्यान से नोट कर लेंगे. तो एक है सपोर्ट बेसिस या सपोर्ट ट्रांजैक्शन, एक है सपोर्ट रेट. सो सपोर्ट बेसिस मींस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड ऑन टी प्लस 2 वर्किंग डे बेसिस. सो टी मींस डेट ऑफ ट्रेडिंग, डेट ऑफ डील, एंड 2 वर्किंग डेज मींस दिस 2 वर्किंग डेज. यानी सपोर्ट ट्रांजैक्शन का जो पीरियड है That is T plus 2 working days. और इसके अंदर 3 अलग अलग variants बन जाते हैं, इसके 3 parts हैं. एक है T0,
एक है T1 और एक है T2। सो T0 मीन्स इट इज द सेम डे। सो T1 मीन्स नेक्स्ट डे, और ध्यान है ये सारे के सारे वर्किंग डेज माने जाएंगे। एंड T2 मीन्स, सो T+2 वर्किंग डेज, यानी डे आफ्टर टुमारो। तो ये 3 दिनों के अंदर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। तो अगर हम इसको लेते हैं कि डील की डेट है जुलाई 25th और ये वेडनेसडे है, तो 25th हुआ T0, 26th हुआ T1, 27th हुआ T2। जो स्पॉट रेट हम वर्ड यूज करते हैं, सो इट इज रिलेटेड टू T+2। सो जब भी आप वर्ड पढ़ें स्पॉट रेट, तो हमने अंडरस्टैंड करना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट T+2 वर्किंग डेज। और नेक्स्ट डे के लिए, सो T+1 हम जिसको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं टॉम। इसके लिए हम यूज करते हैं टॉम रेट को। और सेम डे ट्रांजैक्शन के लिए हम जो रेट को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कैश रेट। तो इस सारे पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसको याद रखना हमारी जितनी भी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, तो फिर हम उनको आसानी से हैंडल कर सकेंगे। तो इसको ज़रूर आपने दोबारा से वीडियो को वॉच करना है और किसी भी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो दिस रेट इज नोन एज अ स्पॉट रेट। कौन सा? जो सेकंड वर्किंग डे तक, T+2 वर्किंग डे तक कंप्लीट हो जाए। सो दिस रेट इज नोन एज अ स्पॉट, विच आर बेस रेट्स फॉर अदर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर दैट करेंसी। हम जितने भी रेट्स को आगे कैलकुलेट करेंगे उनके लिए बेस रहेगा स्पॉट रेट, यानी T+2 वर्किंग डे का रेट। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। अगर ऐसा है तो फटाफट NQ नो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए अपनी चैट बॉक्स के अंदर। डू इट क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कन्फर्मेशन का। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा वीडियो के इस पार्ट को दोबारा से वॉच कर लेना, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उसके बाद। चलिए अब इसमें हम आगे निकलते हैं। वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट, ये क्या होती है? इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। सो इट इज़ अ डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड्स ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो ये डिलीवरी की डेट है। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जुलाई 25th को और ये वेडनेसडे है, और ये ट्रांजेक्शन हुई है स्पॉट रेट की, तो इस केस में वैल्यू डेट कौन सी बनेगी मुझे जरा बता दीजिए। नाउ अब हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं।
वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट इसमें कौन सी बनेगी? यस आई वेट फॉर योर आंसर। इसमें वैल्यू डेट कौन सी बनेगी? सो इसमें वैल्यू डेट टी प्लस टू वर्किंग डे, सो टी हो गया 25th, टू वर्किंग डेज हमने इसे ऐड किए तो इट मीन द वैल्यू डेट इज 27th। तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू डेट का, जो बेसिकली सेटलमेंट डेट है। सो वैल्यू डेट का वर्ड भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑन टेलीग्राफिक ट्रांसफर बेसिस, टीटी हम जिसको कहते हैं, अगर ट्रांजैक्शन टीटी बेसिस के ऊपर है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बेसिस के ऊपर, तो वैल्यू डेट नॉर्मली सेम डेट रहती है दोनों सेंटर्स के ऊपर। सो वैल्यू डेट इज नॉर्मली सेम इन बोथ सेंटर्स बिकॉज पेमेंट काफी क्विकली इसमें सेटल होती है। सो इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑन टीटी बेसिस द वैल्यू डेट इज यूजुअली सेम इन बोथ सेंटर्स। यूजुअली है बट इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है पेमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव करेंसी इन बोथ सेंटर्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे सो दैट देर इज नो गेन, देर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूइंग टू ईदर पार्टी। तो अगर डिलीवरी सेम डे हो जाएगी तो फिर उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं आता। इंटरेस्ट एलिमेंट कब आता है? जब डिलीवरी सेम डे नहीं होती। और फिर इंटरेस्ट एलिमेंट अगर बीच में आता है तो उस केस में हमें जो एक्सचेंज रेट बनेगा उसको एडजस्ट करना होगा इंटरेस्ट को प्रोविजन करते हुए। अब टाइप्स ऑफ वैल्यू डेट्स, वैल्यू डेट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? सो पहले हम वैल्यू डेट के जो तीन वेरिएंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे उनको ले लेते हैं। सो फर्स्ट इज कैश डील। सो कैश डील इज आल्सो नोन एज रेडी डील। सो हम कैश डील कहें, रेडी डील कहें, सेम डे डील कहें, टी जीरो डील कहें, तो ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू डेट को। तो रेडी रेट में, कैश रेट में या सेम डे डील के अंदर डिलीवरी विल टेक प्लेस ऑन द सेम वर्किंग डे, डिलीवरी उसी वर्किंग डे को होगी। फॉर एग्जांपल अगर डील का डेट है मार्च 06 और डेट ऑफ डिलीवरी भी है मार्च 06, तो हम कहेंगे इट इज कैश और रेडी रेट, कैश और रेडी डील। तो वैल्यू डेट में अगर पूछा जाए कि डिलीवरी सेम डे प्लेस हो रही है जिस दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैश डील और रेडी डील, और इसके ऊपर लगने वाले रेट को हम कहेंगे रेडी रेट और कैश रेट। ये दोनों बातों में डिस्टिंक्शन रखना है। एक सेटलमेंट का डेट क्या है वो वैल्यू डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस डेट के रेट को क्या कहेंगे वो भी उसी नाम से है। सो रेडी और कैश रेट। देन वी हैव टर्म डील। सो टी प्लस वन, सो वन मीन्स वन वर्किंग डे। टर्म डील, टर्म स्टैंड करता है टुमारो, टुमारो होता है नेक्स्ट डे। सो टी हो गया डेट ऑफ डील, वन वर्किंग डे हो गया टर्म डील। सो इन दिस केस डिलीवरी टेक्स प्लेस, सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। अब यहां पर भी ध्यान रखना है नेक्स्ट वर्किंग डे को लेना है हमने। सो अगर डेट ऑफ डील, डेट ऑफ कॉन्टैक्ट 6th मार्च है और 7th मार्च भी वर्किंग डे है, तो इसमें वैल्यू डेट बन जाएगी मार्च 7। लेकिन अगर मार्च 7 हॉलीडे है
तो इट विल बिकम मार्च 8, और अगर मार्च 8 भी हॉलीडे है तो इट विल बिकम मार्च 9। तो ये हुआ टॉम डील। सो टॉम डील के ऊपर हम यूज करेंगे रेट टॉम रेट को, रेट विच विल बी यूज्ड ऑन टॉम डील, इट विल बी टॉम रेट। इफ सेटलमेंट डेट ऑफ टॉम डील इज नॉट ए वर्किंग डे, सेटलमेंट डेट वुड बी नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर द मार्केट्स वेयर करेंसी इज टू बी सेटल्ड। तो जहां इसको सेटल होना है वहां अगर हॉलीडे है तो ये डेट शिफ्ट कर जाएगी। और ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इंटरवीनिंग सैटरडेज एंड संडेज विल बी एक्सक्लूडेड। अगर बीच में संडे सैटरडे आते हैं तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये रूल भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नाउ स्पॉट डील। सो स्पॉट डील इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ फंड्स टेकिंग प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे। सेकेंड वर्किंग डे यानी टी प्लस टू वर्किंग डे। तो इसमें अगर डेट ऑफ डील मार्च 6th है तो डेट ऑफ डिलीवरी मार्च 8th होगा, प्रोवाइडेड इन बिटवीन देर इज नो हॉलीडे। तो 6th भी वर्किंग डे मानेंगे हम, 7th भी वर्किंग डे मानेंगे और 8th को भी वर्किंग डे मानेंगे। तो इन दैट केस जो स्पॉट डील का पीरियड है वो 8th मार्च तक का है और इस रेट को हम कहेंगे स्पॉट रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनमें रेट्स को हम नाम किस नाम से जानते हैं। तो इसके लिए रेट होगा रेडी रेट या कैश रेट, इसके लिए रेट का नाम होगा टॉम रेट, इसके लिए रेट का नाम होगा स्पॉट रेट। सो अगर हमें कोई कहता है कि ये टॉम डील है तो इमीडिएटली हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इट इज टी प्लस वन। अगर हमें को बताया जाता है कि ये स्पॉट डील है तो इमीडिएटली वी विल टेक इट इज टी प्लस टू वर्किंग डेज। और अगर कहा जाता है ये रेडी री डील है तो हम कहेंगे तो टी जीरो या टी डे। सो आई एम श्योर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू दिस पार्ट आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके मुझे कन्फर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर। यस, कर दीजिए क्विकली कन्फर्म दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। इफ सेटलमेंट डेट ऑफ स्पॉट डील इज नॉट ए वर्किंग डे, अगर स्पॉट डील के अंदर सेटलमेंट डेट वर्किंग डे नहीं है तो सेटलमेंट डेट विल बी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर द मार्केट्स वेयर करेंसी इज टू बी सेटल्ड। तो अगर उन मार्केट्स में छुट्टी है तो जहां इसका सेटलमेंट होना है तो उस केस में इसको हम एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देंगे, यानी फॉर द पीरियड ऑफ हॉलीडे हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। एंड इंटरवीनिंग सैटरडे एंड संडे तो दे विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। तो ये सेम रूल है जो हमने टी वन प्लस के केस में देखा है। तो कैश और रेडी डील में इस प्रकार की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, ये सिचुएशन अराइज होगी टॉम डील में या स्पॉट डील में। वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर डील के बारे में कुछ नहीं मैंशन है तो ऑलवेज हम अज्यूम करेंगे दैट इट इज ए स्पॉट डील। इफ नथिंग इज मैंशनड द एजम्पशन वुड बी दैट सेटलमेंट इज टू टेक प्लेस ऑन स्पॉट डील बेसिस। तो ये एजम्पशन हम मान के चलेंगे कि ये स्पॉट डील का मीनिंग स्पॉट डील को ही अज्यूम किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी उसको कंप्लीट नहीं किया है, सो डू इट क्विकली। और इस स्क्रीन के ऊपर इट्स मोमेंट के ऊपर जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है इस सारे को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, इसमें आपके काम की बातें हो सकती हैं। सो चाहे वो लाइव क्लास
के बारे में है, चाहे वो आपके कमेंट्स के बारे में है, चाहे वो हमारे वीडियो लेसन्स के बारे में है. सो दीज थिंग्स कुड बी यूजफुल फॉर यू. चलिए कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट क्विकली ताकि हम अगले पार्ट में चल सकें. सो अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड डील की. तो डील को ब्रॉडली हम जब डील की बात करते हैं तो ब्रॉडली एक होता है सपोर्ट डील, एक होता है फॉरवर्ड डील. सो सपोर्ट के अंदर हमारे पास तीन सब डील्स हैं. तो टी जीरो का है, टी प्लस वन का है और टी प्लस टू का है. एंड फॉरवर्ड मीन्स ये टी प्लस थ्री वर्किंग डे ऑनवर्ड्स है. यानी अगर कोई डील सपोर्ट डील में क्लासिफाई नहीं हो सकती तो उसको हम ऑलवेज फॉरवर्ड डील में क्लासिफाई करेंगे. और फॉरवर्ड डील मीन्स इट इज टी प्लस थ्री वर्किंग डेज और उसके बाद कुछ भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो सकता है. इट मे बी नंबर ऑफ डेज, इट मे बी नंबर ऑफ मंथ्स, इट मे बी नंबर ऑफ ईयर्स. तो फॉरवर्ड डील क्या है? डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट. सो स्पॉट डेट के बाद अगर डिलीवरी की डेट है, सेटलमेंट की डेट है, तो उस केस में उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड डील. सो अगर डील की डेट है मार्च 06 तो फॉरवर्ड की डेट शुरू हो जाएगी फ्रॉम मार्च 09 और उसके बाद ये किसी भी डे की, किसी भी मंथ की, किसी भी साल की हो सकती है. सो दैट इज फॉरवर्ड डील. फॉरवर्ड डील के अंदर जब हम रेट की बात करेंगे सो फॉरवर्ड डील में हम रेट यूज करेंगे फॉरवर्ड रेट. और फॉरवर्ड रेट जो हम कोट करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है फॉरवर्ड मार्जिन का. फॉरवर्ड मार्जिन का उसमें कॉन्सेप्ट आता है. और ये जो फॉरवर्ड मार्जिन है तो दिस मार्जिन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑल्सो, दिस मार्जिन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो. ये प्रीमियम भी हो सकता है, ये डिस्काउंट भी हो सकता है. ये प्रीमियम और डिस्काउंट हम किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? स्पॉट रेट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. और फॉरवर्ड को हम सिंपल लैंग्वेज में फ्यूचर डेट मानते हैं, इट इज फ्यूचर पीरियड. सो स्पॉट रेट से अगर जो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है तो उस केस में ये प्रीमियम बन जाता है. और अगर फॉरवर्ड का रेट स्पॉट रेट से कम है तो उस केस में ये डिस्काउंट बन जाता है. सो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा वो डिपेंड करेगा मार्जिन के ऊपर. यानी हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड एंड स्पॉट, इन दोनों का जो डिफरेंस है तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्जिन. अगर फॉरवर्ड मार्जिन, फॉरवर्ड रेट रादर, अगर फॉरवर्ड रेट यूएस डॉलर का हम लें तो वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू से एग्जांपल के तौर के ऊपर 82 रुपीज 50 पैसा, जबकि स्पॉट हमारे पास अवेलेबल है 82.25. तो यहाँ पे फॉरवर्ड हमारे पास रेट ज़्यादा है तो इट मीन फॉरवर्ड इज एट ए प्रीमियम. और अगर ये 82.50 है लेकिन आज स्पॉट जो है
वो 80 to 70 है. तो यहाँ पे सपोर्ट हमारे पास ज़्यादा है. तो दिस मीन द फॉरेन करेंसी मीन्स US डॉलर, सो इट इज़ एट ए डिस्काउंट. तो जो हमने प्रीमियम या डिस्काउंट देखना है वो फॉरेन करेंसी को रिलेट करके देखना है. तो इस केस में अगर हम इस रेट को लेते हैं तो देन फॉरवर्ड रेट इज़ एट ए प्रीमियम, और इस केस में अगर हम लेते हैं तो फॉरवर्ड रेट इज़ एट ए डिस्काउंट. वेल फ्रेंड्स, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेसन्स ऑल्सो. तो आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जो आपको हमेशा अवेलेबल रहता है. और अगर आपको हमारी अदरवाइज कोई हेल्प की ज़रूरत है अदर देन द क्लास पार्ट, क्लास के अंदर क्या बताया गया इसको छोड़ करके, तो ये हमारा ईमेल आईडी है वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अस. तो चलिए मैं इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.